स्वागत है आप सभी का आरसीआई की ऑनलाइन क्लासेस में। प्यारे विद्यार्थियों, हम एक और न्यूमेरिकल या तीसरे पार्ट का हल कर रहे हैं। एक समीकरण आपको दे रखी है x इज इक्वल टू a प्लस bt स्क्वायर। ये समीकरण है आपके पास। यहाँ a बराबर 8.5 मीटर यानी कि दूरी है, बी आपको दे रखा है 2.5 मीटर इंटू सेकेंड इनवर्स स्क्वायर, इसका मतलब बी क्या है, त्वरण। टी बराबर 0 सेकेंड पर और टी बराबर 2 सेकेंड पर वेग ज्ञात करना है, और टी बराबर 2 सेकेंड और 4 सेकेंड पर औसत वेग ज्ञात करना। तो सबसे पहले हम लिखेंगे कि हम जानते हैं कि बराबर क्या होता है बेटा, v बराबर होता है dx बटे dt। तो वही समीकरण का अवकलन कर देते हैं इसके सापेक्ष, समय के सापेक्ष, तो v बराबर हो जाएगा d और dt, और यहाँ से आपके पास है a प्लस bt स्क्वायर। a का अवकलन करेंगे 0 हो जाएगा, 0 प्लस b कांस्टेंट है, और t का करेंगे तो आ जाएगा 2t। तो आपके पास आ जाएगा बराबर b का जो मान है वो कितना है, b का आपके पास मान है 2.5 गुणा 2 इंटू टी, तो b बराबर आ जाएगा 5t। तो b का मान कितना आ गया 5t। t का मान रख दो 0 सेकंड पर ज्ञात करेंगे तो फर्स्ट हम लिख देते हैं t बराबर 0 सेकंड पर वेग, और t बराबर 0 सेकंड पर वेग क्या आएगा, b बराबर या टी की जगह 0 रखेंगे तो 5 गुणा 0 बराबर 0 मीटर प्रति सेकंड। दूसरा हम लिख देंगे किस पे, टी बराबर 2 सेकंड पे, तो टी बराबर 2 सेकंड पर वी बराबर या 5 और टी की जगह रख देंगे 2, तो आ जाएगा 10 मीटर प्रति सेकंड। ठीक है। अच्छा, अब हमें 2 और 4 सेकंड के मध्य औसत वेग ज्ञात करना है, तो क्या करें, औसत वेग के लिए हम लिखेंगे v एवरेज औसत वेग, जो 4 सेकंड पर ये समीकरण है। ठीक है, इसका मतलब x t = 4 - x t = 2 सेकंड पर और समय, बटे में क्या आएगा समय, समय कितना है 4 - 2। आपके पास आ जाएगा v औसत बराबर, यहाँ पर t बराबर 4 रखो तो आ जाएगा आपके पास a प्लस b और 4 का स्क्वायर, माइनस इसी समीकरण में t बराबर 2 रखेंगे a प्लस b 2 का स्क्वायर, और बटे 4 में से 2 गया तो 2, तो v एवरेज आपके पास आ जाएगा। हाँ जी, देखो a से कट जाएगा और यहाँ 4 तक 16 बी माइनस यहाँ से 2 × 4 आ जाएगा 4 बी, बटे 16 बी में से 4 बी गया तो कितने बचे 12 बी बटे 2, ये आ जाएगा 6 बी। बी का मान आपके पास है ये रहा 2.5, तो औसत वेग आपके पास आ जाएगा बी एवरेज बराबर 6 × 2.5। गुणा करो भाई, तो ये गुणा करेंगे तो 6 × 5 = 30, 3 × 6 = 12 और 3 = 15। ठीक है, तो औसत वेग आपके पास आ गया 15 मीटर प्रति सेकंड। तो ऐसे सवालों को इस तरह से हल करेंगे, थोड़ा सा ध्यान दे लेना, और कोई दिक्कत आए तो आप पूछ लेना कमेंट करके। आज के लिए इतना ही। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू क्लास, थैंक यू सो मच।